अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रीब राशिद और मैं 19 साल का हूँ। तो दोस्तों, आज को 1 अक्टूबर 2022 है। तो आप तो जानती हो कि चाइना का जो है नेशनल डे है आज को, मतलब इसी दिन 1949 को चाइना जो है वो बन गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जैसे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस होता है 14 अगस्त को, ऐसे ही आज चाइना का यही इंडिपेंडेंस डे है। तो पहला तो ये है कि मैं चीनों के सामने व्लॉग इसलिए नहीं बनाता, क्योंकि ये अगर देख लें कि मास्क उतारा हुआ है तो ये कंप्लेन कर देते हैं पुलिस को, और जब पुलिस को कंप्लेन करते तो वो $10,000 का जुर्माना कर देते हैं आजकल। इसलिए आप देख सकते हो कि ये जगह सारी खाली है, मतलब यहाँ कोई एक चीनी बस वहाँ बैठा हुआ है, बस और कोई नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ व्लॉग बनाता हूँ। और दूसरा तो ये है कि जब $10,000 का जुर्माना करते तो ऑब्वियसली वो तो आप जानती हो कि कोई भी नहीं देना चाहता, और इतने पैसे तो शायद कोई अफोर्ड भी नहीं करते लोग। मतलब $10,000 तो बहुत होता है, और सिर्फ एक मास्क उतारने के लिए, मतलब बहुत ही अजीब लॉ है हांगकॉन्ग का। और आजकल ये आज इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आज नेशनल डे है, और आज पुलिस जो है वो ज़्यादा बाहर घूम रही होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस दिन को कोई क्राइम हो। अब तो जानते हैं हांगकॉन्ग और चाइना की हिस्ट्री 2019 और 20 में जब प्रोटेस्ट हुए थे। तो चलो, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी अभी वहाँ पुलिस देखी है, हवा बहुत अच्छी है अभी, और अभी भी मैंने वहाँ पुलिस देखी है, ऊपर खड़ी हुई है पहले ही। तो जैसे कि अब हवा देख के हुई, देखो दोस्तों कितनी तेज़ हवा है, तो काफ़ी अच्छी हवा है, लेकिन वहाँ पुलिस भी खड़ी है। और मैं अभी इसलिए छुप के यहाँ ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि अगर उनके सामने बनाऊँगा तो पता जुर्माना कर देंगे, मैंने मास्क उतारा हुआ इसलिए। तो इसलिए अभी मैं यहाँ छुप के बना रहा हूँ। तो वैसे भी मैंने कहा भी था कि आज नेशनल डे है, तो वही हुआ, पहली से पुलिस जहाँ खड़ी है। तो नेशनल डे वाले दिन ज़्यादा पुलिस घूमती है पूरे हांगकॉन्ग में। तो इवन 1 जुलाई को भी जब हांगकॉन्ग का जो एस्टेब्लिशमेंट डे होता है। तो चलो, मैं आपके बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी घर जा रहा हूँ, और तो आजकल ज़्यादा बाहर ब्लॉग नहीं बनाने होता क्योंकि ज़्यादा बहुत सारी पुलिस घूमती है बाहर आजकल, तो बहुत जुर्माना कर रही है आजकल $10,000 का जुर्माना कर रही है सिर्फ मास्क उतारने के लिए। तो बहुत जी भी लो है वहाँ का। तो चलो, मैं आपसे थोड़ी देर बाद ही मिलूँगा। तो दोस्तों, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा है, और अभी मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो गर्मी कम होती है। सुबह भी गर्मी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि आज नेशनल डे है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा पुलिस आजकल घूम रही है वाली जगह। तो अगर वो मुझे मास्क उतारते हुए व्लॉग बनाते हुए देख लिया तो वो जुर्माना कर देंगे। तो इसलिए ये वजह कि मैं मतलब चीनों के सामने नहीं व्लॉग बनाता मैं, क्योंकि मैं मुझे फिर मास्क उतारना पड़ता है जब मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो बाकी दुनिया में आप देख सकते हो कि मास्क लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, लेकिन हांगकॉन्ग अभी तक भी मास्क लगाना कंपलसरी है 2020 की तरह। तो चलो, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।
तो दोस्तों अभी अभी बारिश हुई थी यहाँ पर और अभी काफ़ी अच्छी धूप भी है। अभी मतलब बारिश और धूप जो है मिक्स है अभी, तो अभी अभी बारिश भी हुई थी तो रेनबो भी देखने को मिलेगा शायद। अगर ऐसे मौसम में होता है जब धूप और बारिश जब मिक्स होते हैं तो रेनबो का मौजूदगी होती है कभी कभी, कभी कभी रेनबो भी होता है तो शायद होगा यहाँ पर। वहाँ जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ बारिश के क्लाउड और धूप कितनी अच्छी लग रही है, वो देखो दोस्तों फलचुंग वाले तरफ देखो दोस्तों, मतलब वहाँ धूप भी है और बारिश के क्लाउड भी है, तो जो माउंटेन का जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों जो झंडे हैं, एक चाइना का और एक हांगकांग का, क्योंकि आज नेशनल डे है इसलिए, तो बहुत ही मतलब खतरनाक दिन है। लाइक हो सकता है वायलेंस हो हांगकांग में, क्योंकि वो प्रोटेस्ट की जो हिस्ट्री जो आप तो जानती हो हांगकांग और चाइना। तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो मैं मुझे बाद में काम पर भी जाना है, तो मैं आपसे रात को ही मिलूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं अभी वेलकम के काम पर जा रहा हूँ, जैसे कि आप जानती हो मेरा 7 बजे टाइम शुरू होता है, तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, वेलकम ही मिलूँगा। दोस्तों मेरा भी काम जो है वो ख़त्म होने वाला है और 10 बजे ख़त्म होता है, तो 7 से लेकर 10 बजे तक वो तो आप जानती हैं, तो अभी 10 होने वाले हैं, सिर्फ 4 मिनट ही रह गए, 3-4 मिनट, तो अभी मैं ख़त्म करने वाला काम, तो चलो मैं आपसे बाद में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये दूसरा नंबर बारिश हो रही है, तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, बहुत अच्छा मौसम है, तो मतलब बारिश हो रही है और सुबह नहीं थी बारिश, तो अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, तो चलो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ और आज नेशनल डे था, जैसे कि आप जानती हो 1 अगस्त 2022 को चाइना आज़ाद हुआ था इस दिन को, तो आज को काफ़ी मतलब पुलिस हर जगह घूमते हुए देखी है, स्पेशली मेरे घर के पास, तो इसलिए ज़्यादातर मैं छुप कर ही ब्लॉग बना रहा था। मतलब जो जो जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, चाइनीस ना हो, तो अगर ना होना ज़्यादा चाइनीज़, तो अगर खुली जगह होती तो मैं बना लूँगा वहाँ पर। तो चलो मैं आपसे एक अगले ब्लॉग में मिलूँगा। शुक्रिया।